सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और सुनहरे वीडियो में। आज हम सीखेंगे जीमेल अकाउंट क्रिएट कैसे होता है। तो सबसे पहले हमें कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है, तो मैं यहाँ पे गूगल क्रोम ओपन करता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है क्रिएट अ जीमेल अकाउंट, यहाँ टाइप कर लेना है। टाइप करने के बाद आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद जो यहाँ पहला ऑप्शन आएगा क्रिएट अ जीमेल अकाउंट, उस पर क्लिक करना। हो सकता है आपको दूसरा या तीसरा ऑप्शन पे दे, तो आप पहला ऑप्शन, मेरे में पहला ऑप्शन दिखा रहा है तो मैं पहला ऑप्शन के साथ जा रहा हूँ, क्रिएट अ जीमेल अकाउंट। उसके बाद एक ब्लू कलर का बॉक्स में लिखा रहेगा क्रिएट एन अकाउंट, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस वाले को छोड़ देना है, यहाँ पे आना क्रिएट अकाउंट पे। तो यहाँ पे तीन टाइप का बनता है, फॉर माई पर्सनल यूज, फॉर माई चाइल्ड, फॉर वर्क और माई बिजनेस। तो आपको जिस चीज़ के लिए चाहिए वो आप क्लिक कर सकते हैं। तो मैं आपको सिंपली फॉर माई पर्सनल यूज़ करके बताता हूँ। यहाँ पे आपको अपना पहला नाम डालना है, फर्स्ट नेम जो कि मांग रहा है, तो मैं अपना डाल देता हूँ। उसके बाद लास्ट नेम डालना है। आफ्टर डेट डेट ऑफ बर्थ मांगता है, तो अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है, तो मैं अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर जेंडर मांग रहा है, जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे ब्लू कलर का बॉक्स में नेक्स्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यूजर नेम डालना है, जो आपका जीमेल अकाउंट का यूजर नेम रहेगा। तो मैं अपना डालता हूँ ऑनलाइन टेक पूर्णिया 07। तो अगर ये आपको इस जगह रेड अगर आ जाए तो समझिएगा ये कहीं टेकन है। तो आपको डरना नहीं है, बस आपको कुछ चेंज कर देना है, जो कि ये यूनिक होता है तो दूसरे से सिमिलर नहीं होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। अगर रेड आ जाएगा तो समझिए दूसरे कोई ये वाला हैंडल कोई ले चुका है, इसलिए आपको कुछ और उसमें ऐड कर देना या फिर कुछ डिफरेंट नेम डालना होगा। तो मैं यहाँ पर ये डाल के चेक करता हूँ, मेरा हो गया है, क्योंकि मेरा ये किसी और का टेकन नहीं था। यहाँ पे आपको पासवर्ड अपना डालना है, जो जीमेल अकाउंट का पासवर्ड रहेगा आपका, तो मैं अपना डाल देता हूँ। कंफर्म पासवर्ड फिर से डालना है। फिर यहाँ पे शो पासवर्ड करके आप अपना पासवर्ड डाल देख सकते हैं क्या आपने पासवर्ड डाला है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको मोबाइल नंबर डालना है, मैं अपना नंबर डाल ले रहा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ओटीपी मांगेगा तो ओटीपी डालना है, मैं अपना ओटीपी डाल देता हूँ। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको मांगेगा रिकवरी ईमेल एड्रेस, अगर आपको कोई रिकवरी ईमेल एड्रेस डालना है तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल अभी स्किप मारता हूँ। उसके बाद इसे भी स्किप कर देना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दिए रहेंगे, उसको आपको आई एग्री करना है, आप पढ़ लीजिएगा, आपकी काम की चीज़ है। ब्लू कलर का बॉक्स में आई एग्री पे क्लिक करना है। एंड फाइनली यू गॉट योर जीमेल अकाउंट।